सम्मानित बंधुगण, जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको पहले करना पड़ता है, कुछ को बाद में करना पड़ता है। जो सबसे ज़रूरी काम होता है उसको हम पहले करते हैं, और जो कम ज़रूरी होता है उसको बाद में करते हैं। और ये निर्णय सही करने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। जो काम पहले करना है उसको हम बाद में करें, जो बाद वाला काम पहले करें तो गड़बड़ हो जाती है। रावण ने यही गलती की थी। जब रावण मृत्युशैया पर था तो लक्ष्मण को भेजा भगवान राम ने कि बहुत बड़ा विद्वान था, वह आज संसार छोड़ के जा रहा है, जाओ जरा उससे कुछ नीति की शिक्षाएं ले लो जो तुम्हारे जीवन में काम आएगी। लक्ष्मण जी जाते हैं, पहले तो वह सिर की तरफ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं रावण कुछ मुझे नीति की बात सिखाओ। रावण चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। तो लक्ष्मण जी वापस आ गए, बोले महाराज वो तो अभी भी अहंकार भरा पड़ा है, वह बोल ही नहीं रहा है, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। बोले तुमने कैसे पूछा? बोला ऐसे ऐसे मैं सिर की तरफ गया था। बोले देखो, किसी से कुछ लेना हो तो झुकना पड़ता है। कहा भी है झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो अपनी अकड़ में रहता है वह एक दिन जीवन में गिरता है, और जो फ्लेक्सिबल रहता है वह जीवन में स्वस्थ रहता है, मेंटली भी फिजिकली भी। आप देखिए, ये जो हम योगासन करते हैं इसका सिस्टम क्या है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इलास्टिक बनाते हैं, फ्लेक्सिबल रखते हैं, और उससे पूरी सिस्टम ठीक होने लगती है। और अगर हमारे शरीर में अकड़न लग जाए शरीर में, तो ये शरीर दुखी, बीमार, अस्वस्थ होने लगता है। तो व्यक्ति को हर समय फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडजस्टमेंट करने की उसके अंदर आदत होनी चाहिए। तो कहा, देखो लक्ष्मण, तुमने ठीक से अप्रोच नहीं किया। सीखना तो छोटे बन के सीखना पड़ता है, पहले हम बड़े बन जाए तो हम कुछ सीख नहीं सकते, तो दोबारा जाओ। लक्ष्मण दोबारा गया, रावण के पाँव की तरफ खड़ा होकर कहा, रावण आप तो जा रहे हो संसार से, कुछ ऐसी नीति की बातें जो मेरे जीवन में काम आएगी वे आपसे पूछने के लिए मैं आया हूँ। रावण ने कहा, लक्ष्मण बातें तो बहुत सी थी, पर मैं अंतिम सैया पे हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जीवन में जिसको हमने ख्याल रखना वह तुम्हें बताता हूँ। वो ये है, अच्छे काम को कल पर मत छोड़ो और बुरे काम को कल पर छोड़ दो। अच्छे काम को कल पर मत छोड़ो और बुरे काम को कल पे छोड़ दो। बड़े यही गलती मैं कर बैठा हूँ। मैंने बहुत से अच्छे काम प्लान किए हुए थे, जिनको मैं कर देता तो इतिहास में मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। मैं एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रहा था कि मैं समुद्र के पानी को क्या डिसल्टनाइजेशन करने का, जिसमें नमकीनपना हटा के उसको मीठा बनाने का, जिससे पानी की शॉर्टेज समाज में न रहे। सोना बहुत अच्छी चीज़ है, लोग पसंद भी करते हैं, पर सोने में सुगंध नहीं है। हम कहते हैं ना, कोई बात अच्छी हो तो कहते हैं ये सोने में सुगंध हो गई, एक कहावत के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो क्या मेरा प्लान था कि मैं सोने में सुगंध ला दूँ, और मेरे लिए पॉसिबल था, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करना था मेरे, स्वर्ग में सीढ़ियाँ बना दूँ जिससे व्यक्ति आराम से जा सके। इस तरह के कई प्लान मैंने कर रखे थे, अच्छे अच्छे प्लान थे, पर मैंने देवताओं को हुक्म देना ये तो हो जाएगा, कर लूँगा मैं, करके मैं उनको टारता चला गया। और जब सुरपनखा आई, उसने कहा एक बहुत सुंदर स्त्री है दो राजकुमारों के साथ में, भैया बता आपके लिए फिट है, आप उसको हरण करके ले आओ। वह बुरा विचार, गलत काम का विचार मेरे मन में आया, और मैंने तुरंत उसको करने लग गया, जिसका नतीजा कि मैं सारा कुल मेरा नाश हो रहा है। तो रावण, मेरा तो एक ही है तुम्हें सदुपदेश,
जो इम्पोर्टेंट काम है उसको पहले करो, जो अनइम्पोर्टेंट है उसको बाद में करो। और सज्जन यही गलती है, हम भी जीवन में करते हैं। कभी आपने बैठ के सोचा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? तो बाइबल में ईसा मसीह बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं फर्स्ट ई इंटर द किंगडम ऑफ हेवन देन ऑल अदर थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। पहला काम इम्पोर्टेंट सबसे काम क्या है, तुम ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर जाओ, फिर सब कुछ तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक सिस्टम में चलेगा, मैनुअल सिस्टम नहीं रहेगी। पर पहले तुमको उस साम्राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। तो सज्जनों अब ये बात क्या है किंगडम ऑफ हेवन का मतलब? वहाँ पर बाइबल में जो किंगडम ऑफ हेवन कहा है वह ईश्वर का साम्राज्य कहा है, स्वर्ग नहीं कहा है वहाँ पर, उसका मीनिंग स्वर्ग नहीं है, ईश्वर का साम्राज्य है। वह ईश्वर का साम्राज्य कहाँ है? तो फिर कहते हैं द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, तुम्हारे ही अंदर है। ईश्वर भी अंदर है, उसका साम्राज्य भी अंदर है। तो पहले हमको उस किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश करना है। अब पहला काम, सबसे जरूरी काम ये होना था और हमने इसको रख दिया लास्ट के लिए। जब 60 साल की उम्र हो जाएगी, सारे कामों में निवृत्त हो जाएंगे, तब इस काम को करेंगे। नतीजा क्या हुआ? आज व्यक्ति दुखी है, समाज में कलह है, अशांति है, आत्महत्याएं हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे वह जो मेन बात थी, हमने उस प्राइमरी बात को, उस मूल बात को फॉलो नहीं किया कि पहला काम ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना है। सज्जनों पहली बात तो ईश्वर का साम्राज्य है कहाँ? अध्यात्म कहता है इसके नीचे माया का साम्राज्य है और इससे ऊपर ईश्वर का साम्राज्य है। बाउंड्री है, जैसे भारत नेपाल की बाउंड्री होती है, आप इधर हैं तो भारत में हैं, उस पार चले गए तो नेपाल में चले गए। ऐसे ये बाउंड्री है, इसके नीचे माया है, इसके ऊपर ईश्वर का साम्राज्य है। अब क्या करना था? मन को इससे ऊपर ले जाना था, और मन जाना भी चाह रहा है क्योंकि यह रास्ता ऐसे है, संकीर्ण है। जितना मन को हम ऊपर ले जाएंगे उतना मन के लिए, मन की हलचल, मन को मूवमेंट की जगह कम होती चली जाएगी। जैसे आप खुले स्थान में तो आप ज़्यादा इधर उधर मुड़ सकते हैं, और कोई संकीर्ण गली में आपको जाना पड़े तो ऐसे ऐसे घूमने की जगह भी नहीं रहेगी, आपको सीधा चलना पड़ेगा, जगह नहीं है। ऐसे इसके ऊपर जो स्थान है वहाँ मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है क्योंकि वहाँ हिलने की जगह नहीं है। पर इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये बाउंड्री क्रॉस करानी पड़ेगी। जब तक ये बाउंड्री क्रॉस नहीं कराएंगे तब तक हम ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं किया, और तब तक हम जीवन को सही ढंग से नहीं जी पाएंगे। ये जो सुख और आनंद और इन्जॉयमेंट के लिए गेम था, हम इस गेम में दुखी रहेंगे, हारते रहेंगे, गेम को सही ढंग से खेल नहीं पाएंगे। कोई भी गेम हम खेलते हैं तो उस गेम को जो जितना अच्छी तरह सीख रखा है और जितनी अच्छी उसे प्रैक्टिस कर रखी है उतना ही बढ़िया उस गेम को खेल सकता है। ये जो गेम है, ये जो संसार का रूपी प्ले बना, इसमें भी समझनो इस गेम को खेलने का तरीका है कि पहले मन को वहाँ पर पहुँचाओ, ब्रिकुटी से ऊपर ले जाओ। उसके बाद ये मन की एकाग्रता इतनी अच्छी होगी कि सारे काम हमारे परफेक्ट होते जाएंगे, अच्छे होते चले जाएंगे। और मन नीचे रहेगा तो ये इतनी ज़्यादा इसमें वाइब्रेशन रहेंगे, इतनी ज़्यादा इसमें चंचलता रहेगी, अनस्टेडीनेस रहेगी कि कोई भी काम हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप देखिए क्लास में स्टूडेंट होते हैं, एक टॉप करता है, एक फेल होता है,
दोनों क्लास में बैठे हैं, फर्क क्या है? लेवल ऑफ कंसंट्रेशन का फर्क है। कोई भी काम में आपका कंसंट्रेशन लेवल जितना ज़्यादा होगा, मन की एकाग्रता जितनी ज़्यादा होगी, आप उस काम में उतना ही सक्सेस होंगे। तो इससे नीचे मन की चंचलता बढ़ जाती है और इससे ऊपर मन की चंचलता कम हो जाती है। तो तब कहा कि पहले ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करो। फर्स्ट ई इंटर द किंगडम ऑफ हेवन, देन ऑल अदर थिंग्स विल बी एडेड इनटू यू। बाकी सारी चीजें तुमको स्वतः ही प्राप्त होगी। हमें विश्वास नहीं होता कि स्वतः कैसे प्राप्त हो जाएगी। सज्जनों, होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम एक है हमारे अंदर। हम अभी मैनुअल सिस्टम में काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम को हमने पहचाना ही नहीं है। और कईयों को तो विश्वास भी नहीं होगा कि हमारे अंदर कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है। है सज्जनों, वो ऑटोमेटिक सिस्टम को चालू करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर कैसे जाएंगे? हाउ टू इंटर द किंगडम ऑफ हेवन। आपने कई बार महाराज जी के प्रवचनों में सुना होगा कि जब रॉकेट को ऊपर भेजते हैं तो उसमें इंजन लगे रहते हैं जो रॉकेट को पुश करते हैं, और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उनको खींचती है। तो इतने पावरफुल रॉकेट लगाए जाते हैं जो उस रॉकेट को ठेल ठेल के पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से बाहर पहुंचा दे। आकर्षण शक्ति कहाँ तक है? 220 माइल तक है। जहाँ रॉकेट को उस इंजन ने 220 मील क्रॉस करा दिया, फिर बिना रॉकेट के सपोर्ट के भी वो ऊपर ही रहेगा। वह रॉकेट बिना इंजन के सपोर्ट के भी रॉकेट ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। क्यों? कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति जो उसको नीचे खींच रही थी, उस बाउंड्री को उसने क्रॉस कर लिया। सज्जनों, माया की बाउंड्री भी यहीं तक है। जितने इंद्रियों के विषय है, जो इंद्रियों के आकर्षण है, सेंसुअल अट्रैक्शंस हैं, जब तक मन इसके नीचे है, ये मन को खींचते हैं। मन रूपी रॉकेट को अगर हमने इससे ऊपर ले गए तो ये जो जैसे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति रॉकेट को खींचती है, ऐसे ये इंद्रियों के जो आकर्षण है वो मन को नहीं खींच पाते। तभी तक खींच सकते हैं जब तक मन इस बाउंड्री से नीचे है। इसलिए इसके ऊपर इसको ले जाना है। उसी को कहा इंटर द किंगडम ऑफ हेवन। अब प्रश्न आता है, इसको ले जाएं कैसे, पुश कैसे करें? जैसे रॉकेट में इंजन लगा रहता है, इंजन के द्वारा हम उसको पुश करके ऊपर ले जाते हैं। इस मन रूपी रॉकेट को हम किस चीज से पुश करें? सज्जनों, उसके लिए शास्त्रों में संतों ने, आध्यात्मिक व्यक्तियों ने कहा कि भगवान के नाम की शक्ति से आप इसको ऊपर ले जा सकते हो। वो इतना पावरफुल इंजन है, वह आराम से ये क्रॉस करा सकता है। बस उससे आपको इंजन अलग रखा हो, रॉकेट अलग रखा हो, और आप चाहोगे रॉकेट ऊपर चला जाए, कभी नहीं जाएगा। इंजन और रॉकेट को जोड़ना पड़ेगा, तब इंजन उस रॉकेट को अपने साथ ऊपर ले जाएगा। ऐसे वो जो नाम है प्रभु का, भगवान का जो नाम है, वह नाम से जब आप हम अपने मन को जोड़ेंगे तो ये बाउंड्री क्रॉस करा देगा। इसलिए सज्जनों, सबसे जरूरी काम क्या हो गया? इस मन को उस नाम से कनेक्ट करना। जपना नहीं है, कनेक्ट करना है। यही तो मिस कर जाते हैं हम। मुंह से नाम को जपना शुरू कर देते हैं, कनेक्ट तो मुंह को नहीं करना है सज्जनों, कनेक्ट तो मन को करना है उस नाम से। हम मन को कनेक्ट किया नहीं, मुंह से अगर हम नाम जप रहे हैं तो वह तो गड़बड़ बात हो गई। और जो मुंह से जपने वाले नाम है, इनमें मन कनेक्ट भी नहीं होता है। मन जिस नाम से कनेक्ट होता है वह एक स्पेशल नाम है।
वह एक स्पेशल नाम है जिसको हमें जानना पड़ेगा, और उस कैसे मन को उससे कनेक्ट करना है उस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। शास्त्रों में जो कहा गया कि भाई गुरु बनाने की परंपरा है, स्पिरिचुअल मास्टर को के पास जाने की ज़रूरत है, वो इसलिए नहीं था कि वो हमको लेक्चर सुना दे, किताबों में क्या लिखा है उसको एक्सप्लेन कर दे। सज्जनों, स्पिरिचुअल मास्टर इसलिए था कि वह हमको हमारे अंदर उस नाम का अनुभव भी कराए और मन को उसमें कैसे कनेक्ट करना है वह सिस्टम सिखा दे। जब हम कनेक्शन करना सीख जाएंगे मन को, और फिर उस नाम की शक्ति से मन को ऊपर ले जाएंगे, सज्जनों ये धीरे धीरे मन ऊर्ध्वगति लेता है, ऊपर उठता है। और जब हम साधना करेंगे हमें अनुभव भी होगा कि मेरा मन ऊर्ध्वगति ले रहा है। और होते होते देखिए, अभ्यास तो करना पड़ेगा। संसार में कोई भी काम आप करते हैं बिना अभ्यास के वह काम हम नहीं सीखते। कहा है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सो जान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। कुएं में जो रस्सी होती है ना पानी खींचने वाली, उसे जब आप रेगुलर खींचते हैं तो पत्थर पे भी निशान बना देती है। तो का अभ्यास सबसे जरूरी है। कोई भी खिलाड़ी गेम भी खेलता है, जो जितने ज़्यादा अभ्यास करता है, जितना अच्छा प्रैक्टिस करता है, वो उस गेम में उतना ही ज़्यादा सफल होता है। जो सोचता बिना अभ्यास के मैं जाऊँगा खेल लूँगा, वो कभी सफल नहीं होता है। हर चीज़ अभ्यास मांगती है। तो जब हम पहले तो हमको ऐसे गुरु की खोज करनी पड़ेगी जो हमको उस नाम का अनुभव करा दे जिससे हमने मन को कनेक्ट करना है। और सज्जनों, ये बात मैं अक्सर दोहराता हूँ, दोहराता रहूँगा, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि गर्भ में हमारा मन उस नाम से कनेक्टेड था। सारे विश्व के जितने भी बालक है गर्भ के अंदर, उनका मन उस नाम से कनेक्टेड था। बाहर आकर धीरे धीरे वो कनेक्शन कट ऑफ हो गया। तो इसलिए हमको उस नाम को जानना है, और बाकी नामों से बात नहीं बनेगी, जिससे हमारा मन गर्भ के अंदर कनेक्टेड था। वह एक है नाम है, स्पेशल नाम है, उसकी बराबरी संसार का कोई भी नाम नहीं कर सकता, उसकी शक्ति की बराबरी कोई भी देवी देवता नहीं कर सकता। कहते स्वयं भगवान भी उस नाम की बराबरी नहीं कर सकते। तभी रामायण में कहा, राम एक तापस थी तारी, नाम कोटि कल्पमति सुधारी, कहाँ लगी करु में नाम भलाई, राम न सकही नाम गुनगाई। कि राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, नाम तो करोड़ों का उद्धार करता है, और अंतिम लाइन में कहते हैं कि मैं कहाँ तक उस नाम की भलाई करूँ। स्वयं भगवान राम भी उस नाम की महिमा नहीं गा सकते। सोचे कितना स्पेशल और पावरफुल वह नाम होगा। हम सिंपली कह देते हो नाम तो राम है सज्जनों, साइंस का जमाना है, जरा आदमी को ना बंद दिमाग से नहीं होना चाहिए, अपनी बात पे जबरदस्ती नहीं अड़ना चाहिए। भगवान ने सोचने की समझने की क्षमता दी है, उसका उपयोग करना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक व्यक्ति ने एक से बोला, चलो शर्त लगाते हैं। बोला क्या? बोलो बोलो बकरी की कितनी टांग होती है? वो जो बेचारा सीधा साधा आदमी था, चार टांग होती है का? बोला नहीं, तीन टांग होती है। लो शर्त लगा लो, और जो पंचायत में फैसला करा लेते हैं। बोला लो भाई शर्त लगा लो, क्योंकि उसको पता था चार टांग होती है, तीन तो होती नहीं है, मैंने जीतना जीतना। तो बोलो बोलो क्या शर्त है? बोला मुझे 500 रुपये दे दो, अगर तुम जीत गए तो तुमको मैं 1000 रुपया वापस कर दूंगा। वो तीन टांग वाले ने कहा। वो चार टांग कहने वाले ने खुशी खुशी 500 का नोट दे दिया,
सोचा अब मेरे 1,000 आएंगे, अब दोनों में जिद हो गई। वह कहता है चार टांग है, वह कहता है बकरी की 3 टांग है। पंचायत बैठी, पंचायत में बात चली, भैया क्या है, पंचायत ने भेजता तो वही देना था। अभी एक प्रश्न आया है कि आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, कंसंट्रेशन कहाँ पर करना है, ब्रीदिंग पे करना है, नाम पे करना है। तो सज्जनों ये अभी हम आगे लेंगे इसको। तो वह पंचायत बैठी, पंचायत ने कहा भाई बकरी के तो 4 टांग होते हैं। उसने कहा देखो पंचायत कह रही है बकरी की 4 टांग होती हैं। वो 3 टांग वाला कहता पंचायत कहती रही पर मैं नहीं मानता, 3 ही टांग होती है, क्या कर लोगे। तो सज्जनों इस तरह की जिद्दी बना तो कोई काम नहीं आएगा, आप अपने नुकसान करेंगे। भगवान का वह नाम कौन सा है जो हमने गर्भ में जपा था, जिस पे मन को कनेक्ट करना है, वह नाम स्पेशल है। उसका ज्ञान हर एक गुरु भी नहीं करा सकता, शास्त्रों में भी वह नाम लिखा हुआ नहीं है क्योंकि वो भाषा में नहीं है। वह नाम को बच्चा माँ के गर्भ में जपता है और उसी नाम से हमारे श्वास चल रहे हैं। सज्जनों अभी जो प्रश्न था कि मन को श्वास में लगाना है या नाम में लगाना है, श्वास तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें आप मन को लगाएंगे तो थोड़ी मन को ऊपर ले जाएगा भाई। वो तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो मन से भी कमजोर है, वह ऐसा इंजन नहीं है जो कि रॉकेट को बाउंड्री से ऊपर ले जाए। रॉकेट को बाउंड्री से ऊपर ले जाने वाला तो वह नाम है जिसके कारण श्वास चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हमारे अंदर हो जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि श्वासों के कारण वह नाम प्रकट होता है। नहीं सज्जनों, वह नाम ऑलरेडी है, उसके कारण श्वास चल रहे हैं। श्वासों को चलाने वाला प्रभु का नाम है, इसलिए उसको गायत्री भी कहा गया, अजपा गायत्री कहा गया। गायत्री का मतलब होता है गया त्राणे इति गायत्री, द वन हु इज रेगुलेटिंग द ब्रीथ, द पावर बिहाइंड द ब्रीथ। ब्रीथ पावर नहीं, पावर बिहाइंड द ब्रीथ, जिसके कारण हमारे श्वास चल रहे हैं। तो वह जो नाम है, अब फिर एक प्रश्न आया हमारे अर्जुन शर्मा जी का, कहते उस नाम का अनुभव कैसे करें। इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा, ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना पड़ेगा जो आपको अपने अंदर उस नाम का अनुभव करा दे। जब आप ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाएंगे, संसार में सज्जनों गुरु भी अनेक हैं, आज के ज़माने में डुप्लीकेसी ज़्यादा है, ओरिजिनल कम है। तो हम हर किसी गुरु के पास जाके कहें भाई मुझे वह नाम का ज्ञान करा दो, पता नहीं वो क्या नाम सिखा देगा। वह नाम ऐसा नाम होना चाहिए जिसको गर्भ में भी जपा है बच्चे ने, जब उसका दिमाग डेवलप नहीं था, इंद्रियां क्रियाशील नहीं थी, एक्टिव नहीं थी, बोलने की देखने की सुनने की सब इंद्रियां शांत थी, इनएक्टिव थी, उस समय बिना इंद्रियों के बिना ब्रेन के उसने कौन सा नाम जपा होगा। तो वो जो नाम है वह श्वासों को चलाने वाला है और उसको समझने में सज्जनों समय लगता है। पहले दिन ही हमने सच्चे गुरु के पास भी अगर उस नाम का अनुभव साधना सीख ली तब भी पूरी तरह रहस्य समझ में नहीं आता है। जब हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं धीरे धीरे उसकी रमत समझ में आता है। अभी धर्मदास कहते हैं गुरु पहिया लागू नाम लखाई दीजो रे, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्द न मारे जगाए दीजो रे, गुरु पहिया लागू नाम लखाई दीजो रे। अगर इतना सिंपल नाम होता तो वो क्यों ऐसा कहते धर्मदास राजा संत कबीर को कि मैं आपके चरणों में पड़ रहा हूँ, मुझे उस नाम का बोध करा दो। तो सज्जनों वह जो नाम है वह हमारे श्वासों का भी मालिक है। श्वास उसको पैदा नहीं करे, उसके कारण श्वास चल रहे हैं।
जब आप साधना में आरूढ़ होते हैं आपके श्वास बहुत धीरे हो जाते हैं, अगर आप नाक में महसूस करें तो श्वास चल भी नहीं रहे हैं, इतने सूक्ष्म श्वास होते हैं, तब भी उस नाम का अनुभव होता है, क्योंकि नाम श्वासों से परे है, श्वास नहीं है। पर सज्जनों ये बात कहने सुनने से समझ में नहीं आने की, ये जब हम अभ्यास करेंगे और गुरु स्पिरिचुअल मास्टर की हमारे ऊपर कृपा होगी, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर जो होता है केवल शरीर नहीं होता है, जो रियल स्पिरिचुअल मास्टर होता है, डुप्लीकेट की बात तो अलग हो गई सज्जनों, रियल स्पिरिचुअल मास्टर अंदर से गाइड करता है, बाहर से नहीं करता। वह बाहर तो वह शिक्षाएं देता है, पर जो साधना की गाइडेंस है वह अंदर से देता है, और इंट्यूटिव ब्रेन के थ्रू से आपको अंदर ही अंदर गाइडेंस मिलेगी कि साधना कैसे करनी है, परफेक्ट तरीका क्या है। तो सज्जनों उस नाम को पहले समझना पड़ेगा, समझने में भी टाइम लगती है, और समझने के बाद फिर उसमें मन को कनेक्ट करने का अभ्यास करना पड़ेगा। ये अभ्यास सज्जनों सरल नहीं है, बाहर के मंत्र जपने जैसा सरल नहीं है, क्योंकि मन को कनेक्ट करना है, मन की आदत बिगड़ी हुई है, ये बार बार इंद्रियों में भागता है, ये बार बार बाह्य मस्तिष्क की तरफ जाता है, इसको निकाल के वहाँ से नाम में लगाएंगे फिर भागेगा फिर लगाएंगे, ये कठोर अभ्यास एक निष्ठ अभ्यास मांगता है, और उसके लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। जितना हम सत्संग सुनेंगे, आध्यात्मिक चर्चा सुनेंगे, उतना हमको इंस्पिरेशन मिलेगा कि नहीं यार मैंने करना है, और ये संकल्प मस्तिष्क ही लेगा, यही बायां मस्तिष्क ही लेगा, ये लॉजिकल ब्रेन ही ये संकल्प लेगा, ये सारा सत्संग सारी आध्यात्मिक चर्चा इसी लॉजिक ब्रेन को समझाने के लिए ही है, यही विघ्न की जड़ है और यही गुणों की खान है, यही काम करेगा, पर जब तक ये कन्विंस नहीं होगा ये नहीं मानेगा। तो इस लॉजिकल ब्रेन को कन्विंस किया जाता है सत्संग के द्वारा, जब ये कन्विंस होगा एक निश्चयात्मक बुद्धि आएगी कि अब मैंने प्रैक्टिस करनी है, और इस मन को, मन रूपी रॉकेट को नाम रूपी इंजन के साथ जोड़ करके यहाँ क्रॉस करानी है। एक दिन भी आपने क्रॉस कराया और मान लो उसके बाद आप नहीं करा पाए, वो दिन आपका यादगार बन जाएगा, इतना आनंद आएगा, इतनी शांति आएगी, इतनी एक तरह का जोश आएगा, उमंग आएगी कि मैं संसार में सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा अनुभव आएगा। तब पता लगता है कि हमारे अंदर कितनी बड़ी क्षमता है, पर मन की एकाग्रता न होने कारण हम उस क्षमता को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य की किरणों में कागज जलाने की क्षमता है पर वह नहीं जलाती, पर जब आप उनको एकाग्र कर लेते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा तो कागज को जला देती है। वो सूर्य की जलाने की शक्ति वहाँ प्रकट हो गई, कब हुई, जब आपने उनका एकाग्र किया। कोयले से अगर आप कुछ चीज़ को काटना चाहोगे कोयला कट जाएगा, चीज़ नहीं कटेगी, पर वही कोयले के कण जब एकाग्र होकर हीरा बन जाते हैं वो सख्त से सख्त वस्तु को काट देते हैं। वो गुण कब आया, जब उन्होंने उनके अंदर एकाग्रता बढ़ी। तो जब आपका मन भ्रुकुटि क्रॉस करेगा, जब हमारा मन ये भ्रुकुटि क्रॉस करेगा वहाँ ये ऐसे बंद जाएगा, सारी एकाग्रता एक जगह हो जाएगी इसकी, इसकी सारे जो इधर उधर ऐसे ये डिफ्रेक्शंस हैं, जैसे एक तार से, एक करंट से, आप एक सोर्स से आप कई तार निकाल लेते हैं तो सबकी वोल्टेज कम हो जाती है, और वो सारा मिलके एक तार हो जाए तो वह उसकी वोल्टेज स्ट्रांग हो जाती है। सूर्य की किरणों में लेजर में क्या फर्क है, वही सूर्य की किरणों को जब एकाग्र किया गया वह लेजर बन गई, आज लेजर से बड़े बड़े काम हो गए। तो मन को लेजर बनाने के लिए इसको भ्रुकुटि से ऊपर ले जाना पड़ेगा, किंगडम ऑफ हेवन में ले जाना पड़ेगा,
और तब आप देखिए आपके सारे काम कैसे होते हैं। प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस होगा, ये विश्वास न भी करें, बिना विश्वास के भी अगर आप इसको एक बार करके देखेंगे तो सज्जनों विश्वास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। पानी प्यास मिटाता है, विश्वास नहीं पर पी लेंगे तो प्यास मिटेगा। मीठा शरबत है, ये मीठा है कि नहीं पी के टेस्ट करने से पता लग जाएगा। ऐसे आप मन को एक बार इस भ्रुकुटी से ऊपर ले जाएंगे, किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश ही कराएंगे, केवल पहुँचे नहीं है अपनी जगह तक पर कम से कम एक बार क्रॉसिंग भी कराएंगे, तो ऐसा अनुभव होगा कि हाँ सचमुच में जो ईसा मसीह ने कहा था, फर्स्ट ई इंटर द किंगडम ऑफ हेवन ऑल अदर थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। सचमुच में पहला काम, सबसे जरूरी काम जीवन में ये इंटर करना था, उसके बाद संसार के काम करने थे, हमने उल्टा कर रखा है। पहले ये और काम कर रहे हैं और इस काम को लास्ट के लिए रखा हुआ है, मृत्यु के टाइम के लिए। सज्जनों तकलीफ पानी पानी है, इसलिए सिस्टम को रिवर्स करें। कहते हैं इट इज़ नेवर टू लेट, जो जितनी उम्र बीत गई बीत गई, अब पहला काम ये करें इस मन को नाम रूपी, इस मन रूपी रॉकेट को नाम रूपी इंजन से जोड़ करके ये बाउंड्री एक बार क्रॉस कराएं और फिर देखें क्या गेम होता है, कैसा गेम होता है, कितना मज़ेदार गेम होता है। तब कहते हैं अपुन को आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो जारो, सदगुरु भेद बतायो, अपुन को आपुन, सब कुछ हमारे अंदर है। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सज्जनों साधना करनी होगी, आध्यात्मिक चर्चा को सुनते रहना होगा और लक्ष्य लीजिए कि मैंने एक बार उस किंगडम ऑफ हेवन में इंटर करना है। समय हो गया है, सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।